पप्पा एक किन्नर थी, लेकिन समाज सेवा में वो हमेशा आगे रहती। क्या रे महिमा, तू क्यों सारा दिन ये लोगों को पानी पिलाती है, कभी खाना देती है? तू कमाती जितना है उतना तो लोगों के लिए लगा देती है। तो क्या करे, अपना कौन है दुनिया में जिसके लिए मैं ये बचाऊंगी रे। महिमा को हमेशा लगता कि काश कोई उसका अपना होता जिसके लिए वो जीती, लेकिन क्या करे, अब तो उसे इसी जीवन को लेकर आगे बढ़ना था। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से आइसक्रीम की जिद कर रहा था। नहीं माँ, मुझे ये चाहिए, मुझे खाना खाना है। उसी बच्चे को बोलते बोलते खांसी भी आ जाती है। नहीं बेटा, मैं आपको अगले हफ्ते आइसक्रीम खिलाऊंगी जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक है ना मेरा रोजो बेटा है तू। पर बच्चा जिद करने लगता है और जोर जोर से रोने लगता है। गंदी मम्मा, और तुम जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बेटा तो जिद पर अड़ा रहता है। तभी महिमा किन्नर आ जाती है। बेटा, तेरी माँ तेरे को क्यों मना कर रही है जानता है क्या? अरे तुम दूर रहो मेरे बेटे से। आप क्या बोल रही हैं मुझे बताइए। बच्चा न जाने क्यों महिमा की ओर खींचा जाता है। देखो, जिसकी माँ होती है ना वो बहुत भाग्यशाली होता है। तुम्हें जुकाम है ना, रात भर जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारे साथ कौन जागता है। बच्चा महिमा किन्नर की बात सुनकर माँ की ओर देखता है। और फिर जब तुमको भूख लगती है तो कौन तुम्हें तुम्हारी मर्जी का खाना बना कर देता है? कौन है जो सुबह तुम्हारे लिए जगता है? कौन है जो तुम्हारे स्कूल से आने तक तुम्हारी राह देखता है बिना कुछ खाए पिए? बच्चा इमोशनल हो जाता है। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलूंगा, आप ही मेरी सबसे प्यारी मोमो। माँ को बहुत अच्छा लगता है, वो महिमा किन्नर से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है, लेकिन आज आपने इसे हमेशा के लिए ठीक कर दिया। वैसे आप तो किन्नर है, ये सब कैसे फील कर सकती है? वो क्या है ना, मेरे अंदर भी ममता है, मैं भी अपनी माँ को मिस करती हूँ। ये सब जो भी कभी मुझे नहीं मिला मैं किसी को देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई बच्चा क्यों रहेगा? क्यों नहीं, आप किन्नर है तो क्या हुआ, एक बच्चे को समझने और समझाने की जो कला है वही आपको मातृत्व सुख से मिलवा सकती है। ये बोलकर वो औरत चली जाती है, लेकिन किन्नर महिमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये संभव है या नहीं। वो घर आ जाती है और पेंटिंग बनाने लगती है। महिमा को पेंटिंग का काफी शौक होता है। फिर अचानक उसके घर की घंटी बजती है। महिमा जैसे ही दरवाजा खोलती है उसके दरवाजे में कोई प्यारी सी बच्ची छोड़कर गया था। वो बच्ची जमीन पर पड़ी रो रही थी। महिमा इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। देखो ना साहब, कौन मेरे दरवाजे ये बच्चा छोड़कर चला गया। पुलिस वाला किन्नर को देखता है और जोर से डांटता है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती? अरे तेरे घर पर कौन अपनी बच्ची छोड़ेगा, चुरा कर लाई होगी। रुक रुक, अभी तुझे डंडे लगाता हूँ। अरे कैसी बात करते हो साहब, चोरी की होती तो क्या पुलिस स्टेशन लाती, बेच ना देती। अच्छा, ज्यादा जबान चला रही है, चल लेकर जा बच्चा, जिसका है ना उसे वापस कर दे, समझी। किन्नर बेचारी बच्चा लेकर चली जाती है। दो तीन दिन वो ये सोचकर बच्चे का ध्यान रखती है कि जिसका होगा वो आकर ले जाएगा, लेकिन बच्चा किसी ने गलती से छोड़ा हो तब तो लेने आएगा ना। फिर दिन बीतते हैं। महिमा किन्नर के दूसरे साथी। देख महिमा, तू है किन्नर जो सारा दिन बच्चे को गले से लगाए रहती है ना, मत बोल, बड़ी होगी तो रोएगी कि उसकी माँ ने उसे कहाँ छोड़ दिया। वहीं छोटी सी बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है तो वो महिमा के पास माँ माँ करके जाती है। माँ माँ, मेरे साथ खेलो ना। महिमा बच्ची का चेहरा देखती है और सोचती है कि उसके नसीब को वो कोसेगी जब उसे ये समझ में आएगा कि उसे पालने वाली कोई और नहीं बल्कि किन्नर है। ये सोचकर वो बाहर निकल जाती है। रास्ते में खड़ी होकर वो रो रही होती है कि वही महिला वहां आ जाती है जिसके बच्चे को महिमा ने कभी माँ का इम्पोर्टेंस समझाया था। अरे आप कैसी हैं, पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसके बच्चे को आपने। अभी उस औरत के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि महिमा आंसू पोंछते हुए कहती है, अरे कैसा है तेरा बच्चा, खुश तो रहता है ना।
तेरे से अब। अरे हाँ हाँ, बहुत खुश रहता है। उस दिन आपने बहुत अच्छे से बात समझाई थी, उसे याद है अब तक। महिमा को अच्छा लगता है, वो उसे शुक्रिया करके जा रही थी कि क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप, कोई तो बात है, मुझसे शेयर नहीं करेंगी? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपने कभी मेरी समस्या दूर की, आज अगर मुझे मौका मिल रहा है तो मना मत करिए। महिमा किन्नर को भी जैसे अपनापन लगता है और वो अपने दिल की बात बोलना शुरू कर देती है। अब मैं क्या करूं, कैसे उस बच्ची को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने साथ रखूं, बड़ी होकर वो कितना शर्म महसूस करेगी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये कर सकती हैं कि उस बच्ची को किसी हॉस्टल में डाल दे, उसे पढ़ाए लिखाए, किसी लायक बनाए। हाँ ठीक बोलती है तू, अब मैं ऐसा ही करेगी। ये बोलकर किन्नर हंसने लगती है। चलो फिर इसी बात पर एक फोटो हो जाए। महिमा अपने फोन से दोनों की फोटो लेती है और चली जाती है। किन्नर को उसकी बात ठीक लगती है, वो उसे नैनीताल के एक हॉस्टल में डाल देती है। इधर एक दिन, हाय रे महिमा, तू तो इतनी मेहनत करती है, दो रोटी खानी है और सारा दिन सारी शाम काम में लगी रहती है, पैर देख तेरे कैसे सूज गए, क्या करेगी इतना पैसा कमा कर? अरे वो रिन्ने की फीस हर साल बढ़ रही है ना, फिर जानती है ना बड़े स्कूलों का कितना पंगा होता है। लेकिन अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा कर, तुझे कुछ हो गया तो भी इतना तो जमा कर ही लिया है कि उसे जीवन में कोई परेशानी ना हो। अब क्या था, रिन्नी की पढ़ाई के लिए महिमा किन्नर कड़ी मेहनत करती, वो रात में कब सोती, सुबह फिर कब काम पर जाती, उसे जीवन किसी मिशन सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ रिन्नी के स्कूल में, अरे रिन्नी तेरे घर से कोई आता क्यों नहीं, बस फोन पर तेरी बात होती है। वो क्या है ना, मेरी माँ इंडिया में नहीं रहती और विदेश में जहाँ वो काम करती है वहाँ उसे छुट्टी ही नहीं मिलती। हाँ पर कोई तो फोटो होनी चाहिए ना, तो एक काम कर तेरी माँ से उनकी फोटो मंगवा ले, हम भी तो देखे तेरी माँ को। रिन्नी महिमा को फोन करती है। माँ माँ, मेरी सहेलियाँ ना आपकी फोटो देखना चाहती हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपको कभी नहीं देखा, प्लीज अपनी कोई फोटो भेज दो। महिमा एक बार तो सोचती है कि वो रिन्नी को सारी बात बता दे, लेकिन फिर हाँ हाँ क्यों नहीं जरूर। तो बस माँ मैं फोन रख रही हूँ, अब जल्दी से फोटो भेजिए। रिन्नी फोन रख देती है और किन्नर परेशान हो जाती है। वो परेशान होकर फोन देख ही रही होती है कि उसे अपनी और उस औरत की फोटो दिखती है जिसकी कभी उसने मदद की होती है। इस फोटो में खुद को एडिट करके रिन्नी को भेज देती हूँ। किन्नर अब अपनी फोटो को काट कर उस औरत की फोटो रिन्नी को भेज देती है। ओ वाओ, मेरी माँ कितनी सुंदर है। तभी तो मैं भी राजकुमारी से कम नहीं हूँ। किन्नर अब रिन्नी से रोज बात करती, और फिर वो दिन भी आ जाता है जब रिन्नी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो अपनी माँ से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाती है। माँ माँ मैं आ रही हूँ, अब तो हम दोनों खूब घूमेंगे, खूब मजे करेंगे। अरे पर तेरे को तो दिल्ली जाने का है ना, वहाँ मैंने तेरा सारा इंतजाम किया है, IIT में तेरा इंटरव्यू है। रिन्नी रोने को हो जाती है। पर माँ मैं तो, लेकिन किन्नर महिमा उसे किसी भी तरह से दिल्ली जाने को राजी कर लेती है। फिर चार साल बाद रिन्नी जब एक बड़ी कंपनी में एक बड़े ओहदे पर होती है तब, माँ तू बुजुर्ग हो गई है, तेरी आवाज में अब वो खनक नहीं रही। माँ तू मुझसे मिलती क्यों नहीं है, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। अरे नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं, तू बिजी रहती है ना, तो मैं सोच रही थी कि देख माँ मैं अब सब कुछ सोच चुकी हूँ, तू मेरे पास रहने नहीं आई तो मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ जाऊंगी। ना 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 ऐसा ना बोल बिटिया, मैं आ रही हूँ, टिकट देखती हूँ। अपना फोन चेक कर माँ, दिल्ली की फ्लाइट की टिकट तेरे फोन पर आ गई है, कल की फ्लाइट है, आ जाना, एयरपोर्ट पर कार आ जाएगी तुझे लेने, फिर ऑफिस के बाद मैं तुझे मिलूंगी। महिमा खुश हो जाती है, जीवन में पहली बार एरोप्लेन में जा रही होती है। वो दिल्ली पहुंचती है जहां कार वाला महिमा का प्लग बोर्ड हाथ में लेकर खड़ा होता है। वो कार से घर आती है कि महिमा का फोन आता है, माँ खाना खा लेना मैं शाम को आऊंगी। शाम होते होते रिन्नी के कई दोस्त आ जाते हैं और अंत में जब महिमा के सामने रिन्नी आती है तो, तुम कौन हो, मेरी माँ कहाँ है? महिमा रिन्नी को गले लगाती है और बचपन से आज तक की सारी कहानी सुना देती है। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई कि कहीं तुम, रिन्नी महिमा को जोर से धक्का देती है,
झूठ झूठ बोल रही हो तुम। निकलो यहाँ से, अभी निकलो, जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? रिन्नी जो गुस्से में होती है, कहीं भी जाओ, मर जाओ, लेकिन जाओ यहाँ से। महिमा रिन्नी की हालत समझ सकती है, वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद, रिन्नी आज तुम जो कुछ भी हो महिमा के कारण हो, नहीं तो तुम्हारी माँ, उन्होंने तो तुम्हें पैदा होते ही छोड़ दिया था। अगर ये मेरी माँ होती या फिर जो कुछ इसने तुम्हारे लिए किया मेरे लिए करती, तो मैं इसे कभी ना छोड़ती। आज तुम जिंदा हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण। अब रिन्नी को अपनी गलती का एहसास होता है, वो जोर जोर से रोती हुई रास्ते पर निकल पड़ती है। महिमा को पागलों की तरह ढूंढ रही होती है कि उसकी नजर पास के पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ महिमा किन्नर रो रही थी। रिन्नी उसके पास जाकर उसके गले लग जाती है। माँ मुझे माफ कर दे, घर चल माँ। नहीं बेटा, समाज में तुझे रहना है, मेरे साथ ये संभव नहीं, लोग क्या कहेंगे। मुझे जन्म देने वाली माँ ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन तूने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचने में बहुत पैसा, बहुत समय और बहुत बहुत प्यार लगता है माँ। मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दे माँ। रिन्नी महिमा को घर लाती है और अब दोनों शान से साथ रहते हैं।